हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 XES एंड क्लासिक 350 गनमेटल ग्रे के बारे में। तो देख लीजिए, रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 XES आपके सामने, ब्लैक कलर में बाइक है ये, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है विद फ्रंट डिस्क ब्रेक ओनली। इसमें सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, रियर में डिस्क ब्रेक नहीं आता। और मैं आपको क्लासिक 350 गनमेटल ग्रे दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, क्लासिक 350 गनमेटल ग्रे है ये। इसमें ग्रे कलर ही आता है ओनली, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS विद ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलता है। इसमें फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और रियर में भी डिस्क ब्रेक है विद ABS। इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए आप, सेफ डिस्क ब्रेक और ABS की सेंसर प्लेट भी लगी हुई है। जबकि उस बाइक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, रियर में ABS की सेंसर प्लेट जरूर है लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसका जो बुलेट 350X का इंजन है, आप देख पा रहे हैं, ब्लैक है, और इसका इंजन क्रोम में है। तो इस के अंदर मोस्टली पार्ट क्रोम के अंदर आपको दिए जाते हैं। इसके जो रिम है ये भी क्रोम में है, ठीक है। और काफ़ी क्लासिक बाइक है, स्प्लिट सीट आती है इसके अंदर, उसके अंदर आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है। टेल लैंप भी इसका अलग है उससे। और इन दोनों की बाइकों के बीच में कॉस्ट डिफरेंस अराउंड 33,000 का है। ये बाइक उससे 33,000 रुपीज़ महंगी है, गनमेटल ग्रे बुलेट 350 XES से। बाकी इसमें जो रॉयल इनफील्ड का स्टिकर है, ये स्टिकर में आता है, 3D में नहीं आता, उसमें 3D में है। और ये क्लासिक है, वो बुलेट है, दोनों अलग सीरीज हैं। इसमें ये आपको कैप मिल जाती है, और ये जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, विद ABS फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती है आपको, और रियर में भी क्रोम पार्ट्स है, ड्यूल हॉर्न मिलते हैं आपको इसके अंदर। काफ़ी अच्छा बाइक है, देखा जाए तो एक ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। और आपको यहाँ पे क्रोम मिरर्स मिलते हैं। लेग गार्ड जो आप देख रहे हैं, ये एक्सेसरी का पार्ट है, इसकी कीमत के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और तो इस बाइक के बारे में कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। चलिए बात कर लेते हैं बुलेट 350 XES के बारे में। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें भी फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है, ठीक है, लेकिन इसके मोस्टली पार्ट आपको ब्लैक कलर में दिखाई देंगे। इसका इंजन, जो इसके रिम है, वो भी ब्लैक कलर में है, ठीक है। और उस बाइक से 33,000 रुपीज़ सस्ता भी है ये, बहुत अच्छी बात है। आपको सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर भी मिलता है, उसके अंदर भी मिलता है, दोनों बाइकों के अंदर। और ये जो रॉयल इनफील्ड का स्टिकर है, आपको इसमें 3D में मिलता है, बुलेट 350 भी 3D में मिलता है। इसकी टेल लैंप अलग है, सीट अलग है, ठीक है। और बाकी तो इन बाइकों में यही डिफरेंस है जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।